मेरी ट्रेन आ गई है अभी, ये खड़ी अंदर बैठा हूँ। इसका टाइम भी होने वाला है 3:59 पे, चल रही 3:59 हो चुकी है। देख लो इसका थर्ड एसी है, अच्छा है, ठीक है। नमस्ते अंकल जी, व्यू को कुछ बनाना है? हाँ जी। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। हटना भैया, साथ में दिए इसमें, पता नहीं। मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ ट्रेन में समोसा, देखते हैं। अगर मेरी तबीयत खराब हुई, अगर मुझे उल्टी उल्टी हुई ना, तो मैं उसका भी ब्लॉग बना लूँगा, अपडेट दे दूँगा कि भाई ट्रेन में बासी समोसे मत खाना, अगर ये एक्चुअली बासी हुआ तो। अब ये मैं समझ नहीं पा रहा है कैसा ताज़ी है बासी है। देखो बाहर की जो इसकी लेयर है ना, मैदा जो यूज़ होती है वो काफ़ी मोटी है, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा। इसको चबाने चबाने में समय निकल जाएगा मेरे ट्रेन का, डेढ़ घंटा दो समोसे में या एक समोसे में डेढ़ घंटा मेरा निकल जाएगा। इसमें कुछ जानी पहचानी, अच्छा बड़ी जानी पहचानी से मैं कर रही इसमें से, मतलब पिज्जा के साथ आता है ना वो, और ही क्या नो, हाँ उसी का टेस्ट आ रहा है, सब बर्बाद कर दिया वो डाल के। समोसे को समोसे जैसा बनाओ, ये एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट मत करो, ये ऑरिगेनो वगैरह डाल के। फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेन में समोसा। अभी ये क्या है, पन्नी है क्या है? अच्छा ये कुछ निकला है, पता नहीं खाने की। हाँ पता नहीं क्या है, पत्ता गोभी का पत्ता है, पता नहीं क्या है ये। हरी मिर्ची के साथ ज़्यादा टेस्ट आ रहा है इसके खाने में, वैसे नहीं आ रहा। कभी ट्रेन में सफ़र करो तो ट्राई ज़रूर कर लेना, मैंने भी ट्राई करने के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि तुम्हें बता सकूँ कैसा खाना मिलता है ट्रेन में, खाने नहीं मतलब स्नैक टाइप, ठीक है 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है बढ़िया है। और हर जगह का अलग स्वाद होता है, जब आप ट्रैवल करते हो ना तो हर जगह का अलग स्वाद होगा, अलग टेस्ट होगा। आप ट्रेन में खाओगे वहाँ पे अलग है, बस में खाओगे वहाँ पे अलग है, ठीक है फ्लाइट में खाओगे वहाँ पे अलग स्वाद आता है खाने का, तो हर ट्रैवल का अलग स्वाद आता है, ये नोटिस करना। चलो ब्लॉग ख़त्म, टाटा बाय बाय। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो नया है वो कर देना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, बाय।